बीते दिन गुरुवार को ही हर मीडिया हेडलाइन में सिर्फ और सिर्फ अतिक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर चर्चा में छाया रहा। आखिर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद अहमद और गुलाम UPSTF के हाथों मुठभेड़ में जो मारे गए। राजनीति जगत से लेकर बॉलीवुड से भी इस खबर पर कई सितारों के रिएक्शंस देखने को मिले और इन्हीं में से एक रही बी टाउन की पंगा क्वीन कंगना रनौत। कंगना रनौत ने न सिर्फ इस एनकाउंटर पर खुशी जताई बल्कि वो इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी करने लगी। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने सीएम के लिए एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया। दरअसल कंगना रनौत ने अपने इंस्टा स्टोरी सेक्शन और ट्वीट में योगी आदित्यनाथ के लिए एक वीडियो शेयर किया। ये वीडियो कुछ समय पहले का ही है जब आदित्यनाथ ने संसद में कहा था, माफिया जो चाहे कोई भी हो, सरकार उसे मिट्टी में मिलाने का काम जरूर करेगी। इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की थी। इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, मेरे भैया जैसा कोई नहीं। इसके साथ उन्होंने शेर की एक इमोजी भी लगाई थी और सीएम को टैग भी किया। इसके अलावा उन्होंने दूसरी स्टोरी में इस एनकाउंटर से जुड़ी एक तस्वीर शेयर की जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ये गैंगस्टर्स की सच्चाई है और वो नहीं जो आपको फिल्मों में दिखाई जाती है। सिर्फ इसीलिए कि आप निडर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहादुर हैं। आपके पास हथियार होने का ये मतलब नहीं कि आप एक फौजी हो। कंगना ने योगी के लिए जैसे ही ये पोस्ट शेयर किया तो भला यूजर्स कैसे अपने रिएक्शंस नहीं देते। तभी तो इसके कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा, असली हीरोइन तो आप ही हैं। तो किसी ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, मैडम ये वीडियो एडिटेड है। अब भले ही लोग कंगना के इस अंदाज पर अपने अपनी राय जरूर रख रहे हैं लेकिन कंगना तो कंगना ही है। वो किसी भी मुद्दे पर बेबाक बयान देने से पीछे नहीं रहती। राजनीति से लेकर बॉलीवुड जगत के मुद्दों पर कंगना का कोई ना कोई कमेंट या रिएक्शन जरूर आता है। इसी वजह से वो कई बार मुसीबत में भी फंस जाती हैं। आपको बता दें कि कंगना पहली बार सीएम योगी की तारीफ नहीं कर रही हैं। इससे पहले वो उनसे मुलाकात भी कर चुकी हैं। ये मौका था कंगना की फिल्म धाकड़ के ट्रेलर लॉन्च का। इसी दौरान कंगना सीएम योगी से मिलने पहुंची थी। आपको बता दें कि गुरुवार को उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद अहमद और गुलाम UPSTF के हाथों मुठभेड़ में मारे गए। इस एनकाउंटर को लेकर कई लोगों में खुशी देखने को मिली, वहीं कुछ लोग इस एनकाउंटर को एक साजिश बता रहे हैं।